इन राज्यों के लोग, इनके वोटर्स भी बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि जो राजनीति उन्हें धोखा दे चुकी है उसको हटा के अब काम करने वाली राजनीति को लेके आए, केजरीवाल जी को मौका दें, केजरीवाल जी की राजनीति को मौका दें। आज पंजाब के लोग, उत्तराखंड के लोग, गोवा के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग केजरीवाल जी की राजनीति से बहुत प्रभावित हैं, उनके कामकाज से बहुत प्रभावित हैं और शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो तो फिर ये जो धोखा देने वाली सरकारें हैं इनको हटाएं और काम करने वाली एक सरकार लेके आएं। तो जो चुनाव होंगे अब आने वाले समय में ये आम आदमी पार्टी के लिए नहीं बल्कि इन राज्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यहाँ के लोग हमें पूरा भरोसा है और हम पूरी तरह से तैयारी होकर गए हैं कि काम करने वाली एक सरकार चुनेंगे जो बिजली पे, पानी पे, स्कूल, शिक्षा, रोजगार, इन सब मुद्दों पे काम करेगी। किन राज्यों में जहाँ पे पंजाब, उत्तराखंड को आप पूरी तरह एक तरह से पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में, वहाँ पे एक चरण में चुनाव होने हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए फायदेमंद होगा या क्या? आम आदमी पार्टी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी कर रही थी चारों राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सब जगह हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। और आप मान के चलिए कि जो आपने तीन राज्यों की बात कही तो 14 फरवरी तो आम आदमी पार्टी के लिए वैसे ही एक अच्छा दिन रहा है हमेशा राजनीतिक इतिहास में, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। 14 फरवरी के हिसाब से आपको लगता है लकी डे है तो कुछ परिणाम भी लकी हो सकते हैं? बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और इन चारों राज्यों में काम करने वाली सरकारें बनेंगी, धोखा देने वाली सरकारें, जनता के पैसे को लूटने वाली सरकारें वो हट जाएंगी और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति को स्थापित करने वाली सरकारें बनेंगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव है तो ऐसा तो नहीं कि लंबा खींच जाएगा या नहीं? अब बड़ा प्रदेश है तो वो तो चुनाव आयोग बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है जी। जो एक नई तरीके की बात हो रही है कि वर्चुअल रैली अभी 15 जनवरी तक के लिए एक तरह से मैंडेटरी की गई कि सभी को वर्चुअल करना पड़ेगा, फिजिकल रैली आप या फिजिकल चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग का ये फैसला चुनाव आयोग के लिए भी कठिन था, राजनीतिक दलों के लिए भी कठिन है, कार्यकर्ताओं के लिए भी कठिन है, लेकिन कोविड को देखते हुए जरूरी फैसला है और सबकी सुरक्षा के लिए जो भी फैसला लिया जाता है उसमें सबको साथ देना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने मांग की है कि चुनाव आयोग वर्चुअल रैली के लिए फंड अलग से जारी करे क्योंकि बीजेपी के पास पहले से इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी पार्टियां नहीं लड़ सकती है, आप क्या कहेंगे? अब देखेंगे इसको, सारी चीजें तैयारी करेंगे। आपकी वर्चुअल रैली के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, हम लोग वर्चुअल रैली की तैयारी कर रहे हैं जी। बाकी डोर टू डोर कैंपेन आप लोग कर सकते हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर सकते हैं, वर्चुअल कैंपेन कर सकते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोविड की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आएगी तो चुनाव आयोग ने जैसे कहा है समीक्षा करके चीजों को आगे। एक सवाल और कि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर को लेकर आप लोग की पूरी कवायद थी, भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना गया है वहां पर। देखिए 19 सीटों पे बहुमत साबित होना था, 19 सीट होने से आम आदमी पार्टी को 14 सीट मिली, कांग्रेस को 8 सीट मिली, भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली। चंडीगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया, लेकिन एक गलती हो गई कि लोगों ने कांग्रेस को वोट दे दिया और ये सिद्ध हो गया कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी की सरकार बनाना। ये लोग उत्तराखंड में भी देख चुके हैं, ये लोग गोवा में भी देख चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में देख चुके हैं और चंडीगढ़ में साबित हो गया, पंजाब के लोगों ने खुद देख लिया कि कैसे चंडीगढ़ में कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी की सरकार बनाना साबित हो गया एक बार फिर से। तो अब मैं पंजाब के लोगों से भी अपील करना चाहूंगा और बाकी जगह भी कि कांग्रेस को एक भी वोट देने का मतलब है कि बीजेपी की सरकार बनाने के लिए वोट देना। आप लोग कुछ लीगल तरीका इसके लिए कुछ कदम वो बताएंगे, उसमें हमारे लीगल एक्सपर्ट्स से सलाह मिल रही है। इसका कुछ असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? नहीं, इससे तो और जनता और सतर्क होगी, जो लोग थोड़ा बहुत कहीं कांग्रेस के प्रति कोई सिंपैथी भी रख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया कि नहीं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और उस चक्कर में फंसेंगे।